यार हो तुमने देखा कि साहिल जी आपको मार रहे थे, वो अच्छे से क्या ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से साहिल जी आपको मार रहे थे? हाँ एक्चुअली गुड्डू जैसा कैरेक्टर है वैसा कैरेक्टर ना हो के कुछ अलग कैरेक्टर बन गया इसलिए साहिल मारा। ऑब्वियसली बात है साहिल गलत नहीं है, हमेशा सही है। एक्चुअली साहिल के नज़र में मैं बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन साहिल जैसा कि देखा कि मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, और ये फ्लर्ट गुड्डू नहीं कर रहा है, गुड्डू के द्वारा कोई कर रहा है, लाइक घुंघरू घुंघरू ब्लैक मैजिक किया है मुझ पर, लाइक मैजिकल साइंस में उसने कुछ खिताब हासिल किया है, तो वो मुझे मतलब मुझ पर हावी हो गई है उसकी जादू एंड ऑल। तो गुड्डू जा रहा था, बाईपास हो रहा था, एंड सडनली कोई लड़की दिख जाती है जो उससे एड्रेस पूछने आती है, और सडनली वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, और वो गुड्डू होता नहीं है एक्चुअली, वो गुड्डू के थ्रू कोई कर रहा है। एंड जैसे ही साहिल आता है मुझे पकड़ता है, मुझे मारना शुरू कर देता है, एंड सडनली गुड्डू अपने कैरेक्टर में आ जाता है, और गुड्डू को तुरंत ही लगता है कि मैंने क्या किया कि साहिल मुझे इतना मार रहा है, दैट्स इट। तो गुड्डू बेसिकली कैरेक्टर कैसा होता है? गुड्डू जैसे कि आप सभी को पता है, गुड्डू मतलब बहुत ही डिप्लोमेट है और बहुत ही शांत है, डिसेंट है, प्यार करता है, मतलब आर्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो यही जताने की कोशिश करता है, और वो है भी वैसा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आर्या का हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। आर्या अभी यहाँ पे नहीं है, आर्या यूएस में है, स्टडी अपनी कंप्लीट करके आने वाली है, लेकिन उसके पहले गुड्डू के साथ ऐसे सारे हादसा हो जा रही है, तो उसकी वजह से साहिल एंड वेदिका दोनों को थोड़ा कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि क्या मालूम गुड्डू ऐसा हो, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन मैं वहाँ पे देता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, और मंजुला मेरे साथ हैं, मतलब जो हैं सब लोग मेरे साथ ही है, बिकॉज मैं ऐसा हूँ ही नहीं कभी। जब साहिल जी आपको मार रहे होते जब आपको सब लोग बचाने आते हैं तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं, सब लोग बचाते हैं, मुझे ये लगता है कि फिलहाल तो गुड्डू अपने ये जोन में कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि गुड्डू को कुछ याद ही नहीं है। गुड्डू ऐसा लग रहा है गुड्डू को कि मैं तो बस उसे एड्रेस बता रहा था, इसमें बताने में क्या गलत है, मतलब वो साहिल को गलत समझने लगता है कि ये इनका मतलब ये मुझसे चिढ़ते हैं, मतलब इनका स्टार्टिंग से ही मेरे साथ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑलरेडी जब शादी हुई थी हमारी, मतलब मैंने ड्राइविंग वाली कोई बात छुपा ली थी, तो साहिल बहुत ज़्यादा हैपर हो गया था मुझे देख के। तो ऐसे आप अभी बचाव में क्या करने वाले? अपने बचाव में गुड्डू कुछ नहीं, गुड्डू बस क्लेरिफिकेशन दे ही रहा है, और वो सॉरी वगैरह बोलेगा नेक्स्ट जो भी होगा, फिर सॉरी माफ़ी मांगेगा एंड ऑल करेगा, बट पता नहीं क्योंकि घुंघरू अब ब्लैक मैजिक कर रहा है गुड्डू पे, पर अब आगे क्या क्या होगा ये डोंट नो, क्योंकि गुड्डू गुड्डू नहीं है फिलहाल, क्योंकि उस पर अभी घुंघरू की जो भी ब्लैक मैजिक एंड ऑल है वो सारी हावी हो चुकी है, गुड्डू कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो जादू करेगा तब तक, क्योंकि बेचारा हो चुका है गुड्डू पूरी तरह से यहाँ पे। थैंक यू, ओके थैंक यू।